गुरुग्राम पुलिस के गिरफ्तार में आया वर्दीवाला गुंडा। 50 लाख की चोरी के मामले में दिल्ली पुलिस के दरोगा सहित 4 गिरफ्तार। गैंगस्टर विकास लकड़पुरिया गैंग का गुर्गा निकला दिल्ली पुलिस का ASI। गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 31 क्राइम यूनिट ने किया पर्दाफाश। गुरुग्राम की सेक्टर 31 क्राइम यूनिट ने गुरुग्राम के एक फ्लैट में अगस्त माह में हुई 50 लाख की चोरी के मामले में अहम खुलासा करते हुए दिल्ली के कुख्यात विकास लकड़पुरिया की गैंग के 4 गुर्गों की गिरफ्तारी किया। इनमें से 3 लोगों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, लेकिन ये चौथा आरोपी कोई सामान्य अपराधी नहीं। ये एक पुलिसकर्मी है जो कि दिल्ली में साउथ वेस्टर्न थाने में तैनात एक ASI है, जिसने खाकी वर्दी को दागदार करने का काम किया। और इस ASI का नाम बताया गया है विकास गुलिया। और सूत्रों की माने तो विकास लकड़पुरिया विदेश में बैठकर अपना नेटवर्क बहुत आसानी से चला रहा है। इस साल 4 अगस्त को लकड़पुरिया गैंग के गुर्गे ने अपने आका के मार्गदर्शन में गुरुग्राम के खेड़ के दोला इलाके से एक फ्लैट से 50 लाख की चोरी की थी। ये फ्लैट अल्फा की कोर्प कंपनी का था, जिसमें कैश रखा था। ये सब पुलिस को पता लगने के बाद 21 अगस्त को मामला दर्ज किया गया और तफ्तीश सौंपी सेक्टर 31 की क्राइम यूनिट को। इसके चलते क्राइम यूनिट के इंस्पेक्टर आनंद यादव ने अपनी टीम के साथ विकास लकड़पुरिया के 4 गुर्गों को गिरफ्त में ले लिया और इनमें से एक दिल्ली पुलिस का दरोगा भी शामिल था। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपियों की पहचान दिल्ली के नजफगढ़ निवासी धारे अमित उर्फ मित्ता, यूपी के अभिनव और दिल्ली पुलिस के दरोगा विकास गुलिया के रूप में हुई है। दिल्ली पुलिस के ASI मूल रूप से लकड़पुर गांव के रहने वाले हैं, जहां का गैंगस्टर विकास है। और इस पुलिसकर्मी को दूसरी बार आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था और यह फिलहाल PTS वजीराबाद में ट्रेनिंग पर चल रहा था और यह 2010 में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुआ था, लेकिन अब यह दरोगा पोस्टिंग पर तैनात अफसर के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन इसका गैंगस्टर कनेक्शन उजागर हो चुका है। पुलिस सूत्रों से पता चला कि विकास गुलिया और गैंगस्टर विकास लकड़पुरिया बचपन के दोस्त हैं और एक बार दरोगा के इशारे पर गैंगस्टर लकड़पुरिया ने दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल में सरेंडर भी किया था। लकड़पुर गैंग के गुर्गों ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि चोरी के 50 लाख में से उन्होंने 15 लाख गैंगस्टर लकड़पुरिया तो 10 लाख विकास गुलिया को दिए थे और बाकी पैसे आपस में बांट लिए थे। क्राइम यूनिट हेड इंस्पेक्टर आनंद यादव ने बताया कि सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा, पूछताछ में अन्य मामलों के खुलासे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।